तो पिछले 10 वर्षों से चल रहा है कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज आ जाता है कि 2 महीना बाद स्टार्ट होगा, लोग सो जाते हैं। ये अभी छोटा रूप है, अगर सरकार बात को नहीं सुनी तो ये बड़ा रूप ले लेगा, आप देख लीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। देखिए, बिहार में बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। जो अभ्यर्थी है वो लगातार प्रदर्शन करते हैं। आज बिहार में CPIML की तरफ से पटना के नृत्यकला मंदिर के पास एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें रोजगार अधिकार महासम्मेलन बुलाया गया है। तमाम बिहार के जो बेरोजगार अभ्यर्थी वो लगातार आ रहे हैं। STET मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी अनिल है, अनिल से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अनिल, रोजगार अधिकार महासम्मेलन बुलाया गया है बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए, आप भी बेरोजगार है, क्या कहिएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल, हम लोग सब यही अभ्यर्थी है। हमारा जो STET 2019 का मुद्दा है वो रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हम लोग इसीलिए इस जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन का हम लोग समर्थन किए हैं। और इस सम्मेलन में सामूहिक रूप से सरकार पर ये दबाव बनाया जाएगा कि सरकार जो भी बहालियां निकालती है उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसकी ज्वाइनिंग कराए, वरना फिर विज्ञापन निकालने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा बात एक और, सरकार जो विज्ञापन निकालती है उस विज्ञापन के आधार पर लोग फॉर्म भरते हैं, तो उस विज्ञापन का पालन होना चाहिए ना, आपको विज्ञापन का पालन करना होगा। तो हम ये दूसरा आह्वान ये भी करेंगे। तीसरा बात ये है कि सरकार ने जो 19 लाख रोजगार का वादा किया था, उस 19 लाख रोजगार का वादा पूरा करे, संविधान का पालन करे, मानवता का पालन करे। विधानसभा में लगातार आप लोगों का मुद्दा उठ रहा है, तमाम अभ्यर्थियों का भी मुद्दा उठ रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहिए? नहीं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो इसीलिए तो ये सम्मेलन आयोजन किया जाता है, सरकार का ध्यान को आकृष्ट कराने के लिए। और हम में इतना क्षमता है कि हम लोग सरकार के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करवा लेंगे, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है, हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं, इस आने का एकमात्र कारण है कि सरकार संविधान और विज्ञापन का पालन करे। जिस विज्ञापन के आधार पर हम लोगों ने फॉर्म भरा था STET 2019 का, हम लोग सभी मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी, हम लोग को सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आगे की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया बच गई, हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे और आगे नियुक्ति का मार्ग सरकार प्रशस्त करे, हम ये सरकार से मांग करें। सवाल रहेगा, आप लोगों का मुद्दा लगातार उठ रहा है, देखा जाए तो शिक्षक अभ्यर्थियों को बहाली की भी बात की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, और कहा गया है कि होली के बाद से सातवें चरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, कहां तक ये सही है? नहीं नहीं, हम लोग कहने से खुश नहीं होने वाले हैं, सरकार को करना पड़ेगा। ये तो पिछले 10 वर्षों से चल रहा है कि न्यूज़पेपर में एक न्यूज आ जाता है कि 2 महीना बाद स्टार्ट होगा, लोग सो जाते हैं। हम लोग सोने वाले नहीं है, जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक हम लोग विद्यालय में नहीं चले जाएंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल, देख सकते हैं STET के कुछ और मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, क्या कहिएगा? बेरोजगारों के लिए आज महासम्मेलन बुलाया गया है, देख लीजिए जी, आज इतना ही भीड़ है, लेकिन ये अभी अग्राई है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। सरकार ने 19 लाख का वादा किया था, उसी का नतीजा है कि सारे बहाली को फंसा करके 19 लाख क्या 19 को रोजगार नहीं दे रही है सरकार, सारे बहालियों को फंसा करके किसी को समय पे नहीं किया जा रहा है। आपको मालूम होगा STET का बहाली 2019 में आया था, 2019 से 2022 आ गया। आखिर सरकार तय करे कि इतना दिन में हम आपकी बहाली को कंप्लीट करा देंगे, अरे भैया हम 1 या 2 साल मेहनत करेंगे, नहीं होगा उसमें तो हम दूसरा रोजगार करेंगे ना। अब तुम्हारे चलते हम 10-10 वर्ष तुम्हारे पीछे लगे रहे, 2014 में बहाली आया था बिहार SSC का और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अभी छोटा रूप है, अगर सरकार बात को नहीं सुनी तो ये बड़ा रूप ले लेगा, आप देख लीजिएगा। अर्जुन हमारे साथ हैं, STET अभ्यर्थी हैं, क्या कहिएगा? बेरोजगार हैं अभी। बिल्कुल, देखिए, हम लोग 2019 में बहाली आई शिक्षक भर्ती का, ये कोई पात्रता परीक्षा STET 19 नहीं था। नोटिफिकेशन को अच्छे से स्टडी किया जाए तो पता चलेगा, भारत की ऐसी कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं जिसमें सीट का वर्णन हो। 2019 की पात्रता परीक्षा STET कंडीशनल पात्रता परीक्षा थी, कॉम्पिटेटिव नेचर का एक एग्जाम था, जिसमें हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट में चयनित हो गए। मेरिट लिस्ट में चयनित होने के बाद 3 साल से सरकार बरगला रही है, इसी के लिए आज बेरोजगार महासम्मेलन है और इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं। सरकार से हमारा निवेदन है कि अविलंब 30,675 अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके भर्ती कराया जाए। आप अपना नाम? मेरा नाम राजू मान से आए हैं, पालीगंज विधानसभा से आए हैं, संदीप सौरभ जी के क्षेत्र से आए हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार अधिकार महासम्मेलन बुलाया गया बेरोजगार युवाओं के लिए, STET के अभ्यर्थी भी हैं, आप क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि जब भी
बेरोजगार हैं उनको रोजगार के लिए जो हमारे विधायक है तति प्रतिबद्ध रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं रोड पर, पालीगंज के जनता के बारे में विधानसभा में उठाते रहते हैं आवाज, जो भी समस्या हम लोग के साथ रहते हैं विधायक जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौतम कुमार है। गौतम जी, बेरोजगारों के लिए एक बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम बिहार के बेरोजगार युवा शामिल हुए हैं, स्टेट के भी। आज खुश है कि बेरोजगारी के लेकर ये जो आरवाई ऐसा का जो संगठन किया गया है, बहुत बहुत हम इसको शुक्रिया आभार है कि ऐसा रोजगार को दर्द समझने के लिए आज कोई नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है। नेता लोग अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ठीक है, नेता का ही कहावत है, लेकिन ये जो विधायक जी के कार्यकाल में जो किया गया है बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, लेकिन ये इससे काम नहीं चलेगा। छात्र युवा के साथ राजनीति काम नहीं चलेगा, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर रोड पर उतरना होगा। आपको इसीलिए नहीं चुना गया कि छात्र के साथ राजनीति करें, छात्र के साथ जो है आप जो है धरना स्थल पर पहुंचे, उसके लिए लाठी भी खाए, लेकिन रोजगार के लिए मरिए, ये बुलाने से वो काम नहीं चलेगा। उसके लिए, उसके हक के लिए कदम से कदम मिलाकर लड़ना होगा, तब जाके होगा, न्याय मिलेगा। ये एक दिन करने से ही नहीं होगा काम, इसके लिए पूरा जेपी आंदोलन की तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा बिहार के। अन्यथा नीतीश कुमार उर्फ गंजेरी बाबा के राज में पूरे युवा को गंजेरी बना के छोड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड है कि लाइव है? बिल्कुल, देख सकते हैं एसटीटी के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हुकार भर रहे हैं पटना के नृत्यकला के पास से, नृत्यकला मंदिर के पास से लगातार कह रहे हैं नीतीश कुमार हम लोग गंजेरी बना देंगे, नशेरी बना देंगे, हम लोग बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। नीतीश कुमार को सत्ता में इसलिए लाया गया था कि युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नृत्यकला मंदिर के पास का ये जगह है, और यहाँ पे तमाम युवा है, बेरोजगार युवा है, वो यहाँ लगातार हैं, और देखा जाए तो लगातार जो युवा का संख्या है, बेरोजगार युवाओं का, वो संख्या बढ़ते हुए दिख रहा है, करीब 2-3 हजार से लगभग ऊपर की संख्या है। अभी भी और भी युवा आएंगे, देखना ये होगा कि कब तक इन लोगों को रोजगार मिलता है, कब तक नीतीश कुमार रोजगार देते हैं। तमाम एसटीटी अभ्यर्थियों को सुन रहे थे, और तमाम खबरों के लिए बन रहा है NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।